नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल इजी वे टू लर्न में। आज हम प्रस्तुत हुए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर जो कि बेस होंगे टाइम एंड वर्क के टाइप वन पर। टाइप वन क्या? जिसमें खाली दो व्यक्ति काम कर रहे हों। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी पार्ट वन के नाम से, जिसमें आपको एक से लेकर छह क्वेश्चन तक बताए गए थे। उन क्वेश्चनों में हमने लोअर लेवल से अपर लेवल के क्वेश्चन करवाए थे। आज कुछ और अपर लेवल के, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको, टाइम एंड वर्क बच्चे आपने अभी तक देखा होगा, जितने भी हमने छह के छह क्वेश्चन करे उनमें एक चीज कॉमन थी कि टाइम एंड वर्क तीन चीजों पर घूम रहा था। पहली चीज क्या थी? नंबर ऑफ डेज जो कि वो व्यक्ति उस काम को करने में ले रहे थे। दूसरी चीज थी बच्चे उनकी इफिशियंसीज यानी कि उनकी क्षमता। तीसरी चीज थी बच्चे टोटल वर्क या कुल कार्य। तो हमें क्या दिया होता है, सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट दी होती है उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे, उसमें आपको नंबर ऑफ डेज या उनकी इफिशियंसी दिखाई देगी। उनके बेस पर हमें टोटल वर्क या कुल कार्य निकालना होता है। वो क्यों निकालना होता है कि अगर हमें जब पता ही नहीं होगा कि कार्य क्या करना है तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क यानी कुल कार्य निकालना। और वो कैसे निकाला जाता है, एलसीएम लेकर, जो कि हमने कल देखा था या पार्ट वन वीडियो में देखा था। उसके बाद या तो नंबर ऑफ डेज दिए होंगे या उनकी इफिशियंसी दी होंगी स्टेटमेंट के अंदर, उन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमेशा आपको या तो इफिशियंसी निकलवाएगा, और इफिशियंसी भी अगर निकलवाएगा तो वो रेशियो का क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट इफिशियंसी कभी नहीं पूछता एसएससी। और अगर डेज दे रखे हैं तो या तो वो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आपको आपसे पूछेगा, उनके डेज निकलवाएगा। जैसे कि हमने कल देखा था, ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को करता है, लास्ट में हमसे क्या पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए टोटल वर्क हमने पहले निकाला होता है, दूसरी चीज हम क्या निकालते हैं, उनकी एफिशिएंसी, और उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं। तो ये बेस जो चलता है टाइम एंड वर्क का, चाहे कितनी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, कितना हार्ड क्वेश्चन आ जाए, हमें तीन चीजों पर ध्यान देना है। पहला टोटल वर्क, दूसरा नंबर ऑफ डेज, तीसरा देयर एफिशिएंसी यानी कि उनकी क्षमता। अगर ये तीन चीज पर अगर हम ध्यान दे गए और स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के चले गए तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 12 या 15 सेकंड लगेंगे, जो कि कम टाइम है। और कम टाइम में हमें क्वेश्चन को करना होता है। पेपर के बाद या तो गवर्नमेंट एजेंसी जो आपको जॉब दे रही होती है या अदर बच्चे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको मैथ कितना आता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कितने टाइम में उस क्वेश्चन पेपर को कर दिया या उस टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, और वही चीज आपको रैंक दिलाएगी। और रैंक अच्छी आ गई तो आपको पोस्ट अच्छी मिलेगी, आपकी मन चाहे लोकेशन मिलेगी। तो चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये उस टाइप वन का पार्ट टू होगा। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को, आइए बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो 18 और 24 दिन में कार्य को कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, एक साथ काम किया। देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए चला गया। द रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय बी इन, तो बताइए कि जो बचा हुआ कार्य है वो बी ने कितने दिनों में कर दिया। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले इनके नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, ए और बी ने कितने दिन लिए हैं। ए लेता है 18 दिन और बी लेता है 24 दिन। इसके बाद हम क्या करते थे, इनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 72। टोटल वर्क आ गया हमारा 72। ये एलसीएम कैसे निकालते थे, मैंने आपको मेथड बताया था। सबसे बड़ा नंबर लीजिएगा, उसका पहाड़ा पढ़िएगा, जो बचे हुए नंबर से अगर वो इसके पहाड़े में जो नंबर आएगा
वो ऐसा नंबर आएगा जो बचे हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए। अगर वो डिवाइड हो गया तो वही हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम यानी वो ही हमारा टोटल वर्क होगा। अब इनकी क्या निकालेंगे हम, इफिशियंसी। तो एक ही इफिशियंसी कितनी आएगी, 72 भाग में 18, 18 चौके 72 होते हैं तो 4 इसकी इफिशियंसी आ गई, 24 दिए 72 होते हैं तो 3 इफिशियंसी किसकी आ गई, बी की। अब क्वेश्चन को देखिए, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, तो कहता है उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। तो बच्चों अगर ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देते होंगे, उस एक दिन में ए करता होगा 4 यूनिट वर्क, बी करता होगा 3 यूनिट वर्क, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 4 + 3 = 7। मतलब एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करते होंगे, 7 7 वर्क यानी 7 यूनिट वर्क। तो अब पूछा गया है, उन्होंने बोला कि 8 दिन तक उन्होंने साथ काम किया, अगर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितने करेंगे, गुणा में 8, तो ये आएगा बच्चों 56, यानी 8 दिन में उन्होंने 56 यूनिट कार्य कर दिया था। अब बचा हुआ कार्य कितना बचा, 72 में से अगर आप 56 घटाओगे तो यह आएगा 16, 16, मतलब 16 यूनिट वर्क अभी भी बाकी है। ये आ गया हमारा रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ कार्य। अब पूछता है अगर ए चला जाए तो बी बचे हुए कार्य को कितने दिनों में कर देगा, बी ये 16 यूनिट वर्क कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी जितने नंबर ऑफ डेज लेगा वो कितने होंगे, 16 उसको वर्क करना है, 16 रिमेनिंग वर्क था हमारा। और बी किस इफिशियंसी से कार्य करेगा, 3 की इफिशियंसी से कार्य करेगा, तो बटे में 3, तो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 3 × 15 1/3 डेज, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है। कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। आगे कहता है दे स्टार्ट टुगेदर, उन्होंने साथ काम करना स्टार्ट करा, बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम, ए कुछ समय बाद काम छोड़कर चला गया, एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 9 डेज, और पूरा कार्य 9 दिनों में कंप्लीट हो गया। मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक उसे कितने दिन लगे हैं, टोटल वर्क करने में 9 दिन। आगे पूछता है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव, तो बताइए ए उस काम को कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया था, हमें ए के दिन निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम जो हम करते आए हैं, इनके डेज लिखेंगे, तो ए लेता था 10 दिन, बी लेता था 15 दिन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालकर टोटल वर्क निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 30, तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, 30। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की इफिशियंसी या क्षमता निकालेंगे, तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 30 को भाग करेंगे 10 से तो ये आ गया 3, फिर 30 को आप भाग करोगे 15 से तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता था, बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता था, और टोटल वर्क कितना करना हमें, 30 यूनिट। फिर क्वेश्चन क्या बोला कि एक कुछ समय बाद छोड़कर चला गया, हमें पता नहीं कितने बाद कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया, वही चीज हमें पूछी है कि कितने दिनों बाद वो एक काम छोड़कर चला गया था। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या दी है इसके आगे, होल वर्क इज कंप्लीटेड 9 डेज, लेकिन जो पूरा कार्य है वो 9 दिनों में कंप्लीट हो गया, इसका मतलब शुरू से लेकर एंड तक कितने दिन लगे, 9 दिन। तो सोचने की बात यह है बच्चे, जब ए काम छोड़कर चला गया तो काम कौन कर रहा था, बी कर रहा था, और बी शुरू से लेकर लास्ट तक चला, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बी काम करता रहा, तो बी किस एफिशिएंसी से काम करता रहा, 2 एफिशिएंसी से, कितने दिन करता रहा होगा, जितने दिन काम चला होगा, और काम कितने दिन चला, 9 दिन चला। इसका मतलब बी ने 9 दिन में कुछ काम किया होगा, एक दिन में करता है 2,
तो 9 दिन में कितना करेगा, गुणा 9 मतलब बराबर 18। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर बी ने कितना काम करा, कुल 18, तो 30 करना था, 18 टोटल बी ने करा, बाकी बचा काम कौन कर रहा होगा, ए। तो बाकी बचा हुआ काम कौन करके गया होगा, ए। तो बाकी बचा हुआ काम कितना बचा, 30 में से अगर आप 18 को घटाएंगे तो ये बचेगा 12। तो इसका मतलब ये जो 12 यूनिट काम आया हमारा, रिमेनिंग वर्क आया है, ये किसने करा होगा, ए ने करा होगा। तो ए ने कितने दिन करा होगा, उतने ही दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया होगा। तो देखिए नंबर ऑफ डेज ए ने लिए होंगे कितने, 12 काम करना था और ए किस ऑप्शन इफिशियंसी से करेगा, 3 की इफिशियंसी से, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 4 डेज, ये आएगा बच्चों हमारा आंसर 4 डेज। इसका मतलब ए कितने दिनों में काम छोड़कर चला गया था, 4 दिनों बाद। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 9th पे स्टेटमेंट को देखते हैं, ये अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा और देखते जाएंगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन में, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 and 35 days। ए और बी किसी कार्य को 28 और 35 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला दे बिगेन टू वर्क टूगेदर, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। उसके बाद क्या बोला, बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम, परंतु कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला गया। उसके बाद बोला एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, और बी ने बचा हुआ कार्य 17 दिनों में कर दिया। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लिव्स, तो बताइए कितने दिनों बाद ए कार्य छोड़कर चला गया था। तो एक बार स्टेटमेंट को देखो क्या बोलता है, 28 और 35 दिनों में करता है दोनों बाद। उसके बाद क्या बोला, साथ काम करना स्टार्ट करा, मतलब शुरुआत में ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। फिर दिया हुआ है बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, तो जो कार्य बच गया था जब ए छोड़कर चला गया, कुछ कार्य बचा रह गया, उसको बी ने कितने दिनों में खत्म करा, 17 दिनों में, मतलब बचा हुआ कार्य बी 17 दिनों में निपटाया है बी ने। फिर पूछा गया ए कितने दिनों में उस कार्य को कर देगा, तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले वही काम, ए और बी के दिन लिख लेते हैं, इसने लिए थे 28 दिन और इसने लिए थे 35 दिन। फिर बच्चे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और वही एलसीएम हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। तो देखिए 28 और 35 का एलसीएम कैसे निकालें, अब आप कहोगे कि 35 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, बड़ा हो गया, तो इसके निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों में से एक नंबर ऐसा है बच्चे जो कॉमन आ रहा है, या उनका हम एलसीएम बोल सकते हैं इन दोनों का, तो सात के टेबल में 28 भी आता है और 35 भी आता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, अगर 7 यहां से मैं कॉमन निकाल लूं, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5, इनका एलसीएम होता है 20। तो जो 7 हमने कॉमन निकाला था, इसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 140। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 140। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया बच्चे, 140 टोटल वर्क। अब हम क्या निकालेंगे, इनकी इफिशियंसीज। तो इफिशियंसीज देखिए, 140 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 पे, 35 चौका होते हैं 140। अगर ऐसे ना हो तो 35 दूनी 70 दूनी 140 होते हैं, तो 35 चौके हो गए। 28 पंजे कितने होते हैं, 140। इस तरह से ए की इफिशियंसी आई हमारे पास 5, बी की इफिशियंसी क्षमता आई 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, एक साथ काम करना शुरू करा, ए चला गया, हमें नहीं पता कितने दिनों बाद गया, लास्ट में क्या दिया हुआ है, बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, 17 दिनों में
रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ कार्य था एक एक छोड़ने के बाद वो बी ने 17 दिन में कर दिया। तो हम देखते हैं 17 दिन में बी ने कितना कार्य किया होगा। तो अगर हम बी की बात करें, बी का 17 दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन में करता है बच्चे 4, तो 17 दिन में कितना करेगा, गुणा 17, तो ये आ गया 17 चौके 68। मतलब जब ए छोड़कर चला गया था तो रिमेनिंग वर्क कितना था हमारा, 68 वर्क किसने किया, बी ने। तो हम बचा हुआ कार्य देखते हैं कि ए के छोड़ने से पहले उन्होंने दोनों ने मिलकर कितना कार्य किया था, वो कितना आएगा, 140 में से 68 घटा दीजिए, ये आएगा बच्चे 72, 72 यूनिट वर्क आ गया। ये जो कार्य हुआ 68 यूनिट, ये हुआ था ए के छोड़ने के बाद, और ए के छोड़ने से पहले दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। मतलब जो बेहतर कार्य था वो था ए के छोड़ने से पहले, और इस कार्य को या इस काम को, मतलब बेहतर जो यूनिट काम है इसको हमने कौन कर रहा होगा, इसको वो कर रहे होंगे दोनों मिलकर, ए प्लस बी, जो कि स्टेटमेंट में दिया गया था। इसका मतलब बेहतर वर्क को कौन कर रहा होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे, टोटल वर्क करना है 72, और ए और बी दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 + 4 मतलब 9। तो अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये आता है 8 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, 68 वर्क जो रिमेनिंग वर्क था वो बी ने करा 17 दिन में, उससे पहले ए छोड़कर गया, ए के छोड़ने से पहले दोनों बंदे साथ मिलकर काम कर रहे थे, और उन्होंने कितना काम किया होगा, 72, तो कितने दिन लगे, 8 दिन। इसका मतलब ए जो था वो 8 दिन काम करके चला गया, तो वही हमें निकालना था, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क। तो हमारा आंसर आ गया 8 दिन। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर पे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, और अगर एसएससी सीजीएल टियर 2 की बात करें जो कि मेंस होता है मैथ में, उसमें ये क्वेश्चन 100% श्योर है, आता ही आता है, या अगर 3 व्यक्तियों वाला केस आएगा तब आएगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, एंड बी इन 12 डेज, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। आगे कहता है, दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। आगे बोला गया, बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट कंप्लीशन, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने दिनों के अंदर पूरा काम कंप्लीट हुआ। देखिए ये केस का कौन सा है, बी लेफ्ट द वर्क, अभी हम पढ़ रहे थे कि कोई ना कोई कार्य छोड़कर चला जा रहा था, लेकिन वो आफ्टर वाला केस था, कुछ दिनों बाद चला जा रहा था, लेकिन यहां पर केस उल्टा है, बोला गया है 3 डेज बिफोर इट कंप्लीशन, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कोई कार्य छोड़कर जा रहा है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो हम नहीं बता सकते कि 3 दिन पहले, उससे पहले कितना काम हो चुका था। तो इसकी एक ट्रिक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, वही जो हम करते आए हैं, इन दोनों के दिन लिख लेते हैं। ए ने कितने दिन लिए, 18, बी ने कितने दिन लिए, 12। फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों, इनका एलसीएम, और वही एलसीएम हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। तो 18 और 12 का एलसीएम आएगा 36, यही आ गया हमारा टोटल वर्क, मतलब इन दोनों को 36 यूनिट वर्क करना था। अब निकालेंगे इनकी इफिशियंसीज, वो क्या आएगी, 36 को आप 18 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 18 × 36। जब 36 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 × 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए अगर बच्चा, अगर हम मान ले बी कार्य छोड़कर नहीं जाता, तो बी कितने दिन और काम करता, स्टेटमेंट में बोला गया कार्य कंप्लीट होने से 3 दिन पहले चला गया,
लेकिन अगर वो 3 दिन पहले नहीं जाता तो 3 दिन और काम करता, कितना करता देखिए, 3 डेज में बी कितना वर्क करता, एक दिन में करता था 3, तो 3 दिन में कितना करता, गुणा 3, ये आ गया 9, मतलब 9 यूनिट काम वो एक्स्ट्रा करता। अगर वो बना रहता तो उसकी इफिशियंसी भी बरकरार रहती, मतलब जिस क्षमता से एक दिन में वो कार्य कर रहा है वो करता रहता, क्योंकि वो गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम 3 दिन में करता वो हमने निकाल लिया। अब देखिए 36 काम करना था, 3 दिन पहले छोड़कर जाता है तो कुछ ना कुछ काम एक को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेकिन अब हमने क्या करा, 36 काम तो करना ही करना था जब ए 3 दिन पहले छोड़कर चला गया था, तो ए उस काम को निपटाता, सॉरी बी चला गया था जब, तो ए उस काम को निपटाता जो बचा हुआ कार्य था, लेकिन काम तो पूरा 36 ही होता। अब क्या हो रहा है, हमने कहा कि बी को बरकरार रख लेते हैं, नहीं जाने देते, तो अगर बी बरकरार रहेगा तो बी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा काम क्या होगा 3 दिन का, वो कितना आया 9 यूनिट। तो अब हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 तो उसे करना ही करना था, 9 यूनिट हमने बी से एक्स्ट्रा वर्क करवा लिया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 45 यूनिट। अगर हम 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45। इस 45 यूनिट में हमने मानकर चले कि बी भी सारे दिन काम ही कर रहा होगा, तो अब देखिए ये 45 यूनिट वर्क अब कौन कर रहे होंगे, दोनों मिलकर कर रहे होंगे, ए प्लस बी, और ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, 2 ए करेगा, 3 कौन करेगा बी, तो 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, इसको काटेंगे तो ये आएगा 9 डेज। अब बच्चे देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो एक चीज और करिएगा, इन वर्ड को जो कीवर्ड है इनको ध्यान दीजिएगा, बिफोर और एक होता है हमारा आफ्टर। अगर आपको समझ में ना आए तो करिए क्या, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ये 2 वर्ड तो आपको दिखाई देंगे, हिंदी में क्या आएगा, पहले और बाद में, तो अगर ये वर्ड दिखाई दे तो हमें क्या करना है, अगर आफ्टर आ जाए तो टोटल वर्क में से उसने जितने दिन बाद छोड़कर गया है वो वर्क घटा लीजिए, उसका वर्क निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ए कहता कि 3 दिन बाद चला गया, तो ए ने खाली 3 दिन ही वर्क किया होगा, तो उसका 3 दिन का वर्क निकाल लेंगे और उसको हम टोटल वर्क में से घटा देंगे, बाकी काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, तो नंबर ऑफ डे जो लगे हुए कंप्लीट करने में वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर बिफोर का केस है, पहले का केस, तो हमें क्या करना है, जितने दिन बिफोर के दे रखे होंगे, जितने दिन पहले छोड़कर गया होगा, उतने ही दिन का वर्क निकालेंगे और उसको हम टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी हमने किया कि बी का हमने 3 दिन का निकाला 9 यूनिट, इसको टोटल वर्क में ऐड कर दिया, वो आ गया 45 यूनिट। और क्या करना है, बाद का केस होता तो वो छोड़कर चला गया जाता, मतलब उसकी इफिशियंसी चली गई, लेकिन अगर पहले का केस है तो उसकी इफिशियंसी बरकरार रहेगी, मतलब दोनों अब भी साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो टोटल काम कितना करा, एक दिन में 5, करना था 45, इसको काटा तो कितना आ गया 9 डेज, और बच्चों हमारा आंसर ही क्या आ जाएगा, 9 दिन। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एसएससी में। देखिए, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 डेज। 2 वर्कर है, 2 कामगार है या काम करने वाले हैं, ए और बी, किसी काम को पूरा करने में दोनों मिलकर 5 दिन लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, If A had worked twice as efficiently as he actually did, अगर A जो पहले जिस क्षमता से कार्य करता था उसकी दुगुनी क्षमता से कार्य करे, the work would have been completed in 3 days। मतलब दोनों साथ काम करते थे, अब A क्या कर रहा है, दुगुनी क्षमता से वर्क करना शुरू कर देगा, तो वही काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। पूछा क्या है, To complete the job, काम पूरा करने के लिए अलोन ए वुड रिक्वायर्ड, ए को अकेले कितने दिन चाहिए, इसका मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या दिया है,
ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एक साथ, मतलब ए प्लस बी कितने दिन लेते हैं बच्चे? पांच दिन। पांच दिन फिर क्या बोला? ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंसी, अपनी दुगनी क्षमता से कार्य करने लग गया। इसका मतलब अगर ए अकेला बंदा है, अकेली अपनी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, दुगनी क्षमता से कर रहा होगा तो दो ए के बराबर काम कर रहा होगा। इसका मतलब ये कितने हो गए? दो ए प्लस में बी तो वही रहा जो पहले था प्लस बी। अब कितने दिन ले रहे हैं? वो तीन दिन ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे? इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 5 × 3 = 15, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। फिर हम क्या करना था अपने को? इनका इन सबकी एफिशिएंसी निकालनी थी। तो देखिए पहले वाले क्या आएगी? 5 × 3 = 15, 3 आ जाएगी। दूसरे वाले के 3 × 5 = 15। तो अब हमें क्या निकालना है? ए के दिन निकालने हैं। ए के दिन निकालने हैं तो टोटल वर्क हमारे पास है 15। ए के दिन निकालने तो हमें क्या निकालना होगा? ए की एफिशिएंसी, वो देखिए कैसे निकलेगी। हमें दिया हुआ है 2a + b, इनकी एफिशिएंसी है 5, ठीक है बच्चे। उसके बाद a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास? 3। तो अगर हम पहली वाली में से इक्वेशन में से दूसरी वाली माइनस कर दे, माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा? बी, बी से कट जाएगा। 2a में से a गया तो a बचेगा, और यहां 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे। इसका मतलब हमारे पास a की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमें नंबर ऑफ डेज निकालने थे, जो कौन लेगा? a लेगा। तो a को कितना वर्क करना था? 15, जो कि हमारा टोटल वर्क है। और किस एफिशिएंसी से करेगा? 2 से। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 7/1/2 days, 7/1/2 दिन, यह आ जाएगा बच्चे हमारा आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, विच बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 days। जो कार्य ए 8 दिनों में कर सकता है, उसी कार्य को बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद बोला गया ए हैज वर्क फॉर 6 days, ए ने 6 दिन तक कार्य किया, ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, अंतिम 2 दिनों से, जिसमें ए 6 दिन तक कार्य कर रहा था उसमें अंतिम 2 दिनों से, मतलब 5वें और 6ठे दिन, ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, बी उसको नष्ट कर रहा था, मतलब ए जो कार्य करता जा रहा था बी उसी को लास्ट 2 दिनों से नष्ट करता जा रहा था, हाउ मेनी डेज, कितने दिन मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो अब जब बी ने कार्य करना बंद कर दिया, डिस्ट्रॉय करना बंद कर दिया, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा जो बचा हुआ कार्य है? तो देखिए इसमें नेगेटिव एफिशिएंसी वाली बात आ गई। यही सेम कंसेप्ट हमारा पाइप एंड सिस्टर्न में चलेगा, यानी कि नल और टंकी वाले में। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले वही काम, इनके डेज लिख देते हैं। ए कितने दिन में करेगा? 8, 8 days में करेगा। और बी डिस्ट्रॉय करने वाला है 3 दिन में, इसको हम नेगेटिव लेके चल सकते हैं, नेगेटिव, ये डिस्ट्रॉय करने वाला है, इसको पॉजिटिव ले लीजिए, ये बनाने वाला है। तो देखिए 8 और 3 का हम क्या लेंगे? एलसीएम, और वही क्या आएगा हमारा? टोटल वर्क आएगा। तो 8 और 3 का एलसीएम आएगा बच्चे 24, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब हम क्या निकालेंगे? इनकी एफिशिएंसी। तो अगर हम एक ही बात करें, 8 किया होते हैं 24, तो इसकी आगे 3, क्योंकि ये बनाने वाला था, इसको आप प्लस लेके चल सकते हैं, प्लस के 3। फिर बात करें बी की, बी डिस्ट्रॉय करने वाला था, नष्ट करने वाला, तो 3 के हिसाब से 3 × 8 = 24, इसकी आ गई 8, इसको आप माइनस लेके चलिए क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करने वाला था, नष्ट करने वाला था। तो अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए है वर्क फॉर 6 days, ए ने 6 दिन तक काम किया, तो 6 days में ए ने कितना वर्क किया होगा?
एक दिन में करता है 3 मिनट में, 3 गुणा में 6 दिन में कितना करेगा, गुणा 6 बराबर कितना आ गया जी 18। तो ए ने 6 दिन में 18 यूनिट वर्क कर दिया होगा। अब बात करें आगे स्टेटमेंट में, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, जब ए 6 दिन तक कार्य कर रहा था तो उसके अंतिम 2 दिनों तक बी ने भी कार्य किया, नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। तो बी ने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा वो निकालते हैं। 2 दिन के अंदर बी ने कितना नष्ट किया होगा, 1 दिन में कितना कार्य नष्ट करता है -8, तो 2 दिन में कितना करा होगा, गुणा में 2 मतलब -16। तो इस अंतराल के अंदर टोटल कितना काम हुआ, 18 ए ने करा, 16 बी ने बिगाड़ा, बचा कितना, बचे +2 मतलब 2 कार्य इस अंतराल के अंदर हो चुका था जो अभी ये खेल चला। उसके बाद स्टेटमेंट में बोला गया कि जो कार्य बच गया था उसको ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए इस अंतराल में 2 कार्य हो गया, हमें टोटल करना था 24, तो 2 हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया बच्चे, 24 माइनस में ये 2 बराबर आ गया 22। अब ए कितना कार्य करेगा 22 22 पर, और ए किस एफिशिएंसी से करेगा 3 से। तो ए के नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं हम, यह आ जाएगा 22 अपॉन में 3, तो यह आ जाएगा बच्चे 3 से 21 7 से 1/3 दिन, यह आ गया बच्चे हमारा आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये तो हुई क्वेश्चन की बात, आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया जिसमें आपने 6 क्वेश्चन देखे। इससे पहले हम पार्ट 1 में इसके 6 क्वेश्चन और करवा चुके हैं। अभी क्या है बच्चे, हम लेवल को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले छोटे लेवल का क्वेश्चन उठाया, उसके बाद लेवल को बढ़ाते गए, अपर लेवल के क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं। अभी टाइप 1 की 3rd वीडियो और आएगी, उसमें आप देखेंगे इससे बड़ी स्टेटमेंट और काफी अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जिसको हम आसानी से कर रहे होंगे। तो आप हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर बने रहिएगा। और इसके बाद आपको 3 काम और करने हैं। पहला काम क्या होगा बच्चे, पहले तो आप इस वीडियो चैनल, जो YouTube वीडियो चैनल हमारा इजी वे टू लर्न, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एक बेल आइकन जरूर दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करें वो आप तक सबसे जल्दी पहुंच पाए, आप किसी से चुके ना। क्योंकि बच्चे जो ये वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हमने कि आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सारी एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी। और दूसरी बात क्या होगी बच्चे, कि जो आप स्टेटमेंट देखते हो यहाँ पर, या तो आप उनके नोट्स बना दीजिएगा यूट्यूब जो आप वीडियो देखोगे उसको पॉज करके, या अगर आपको इनकी PDF फाइल क्वेश्चन की चाहिए तो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है इजी वे टू लर्न के नाम से ही, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब इसका 3rd पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर इसकी PDF डाल दी जाएगी, आप अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि आगे आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तीसरा काम आप क्या करोगे, जैसे ही हमारा 3rd पार्ट पूरा होता है तो हमारा टाइप 1 जिसमें 2 व्यक्ति काम कर रहे थे टाइम एंड वर्क में, वो कंप्लीट हो जाएगा। उस बेस पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको लगेगा कि आप इतनी आसानी से वो क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा क्रैक क्वेश्चन पेपर क्रैक करने की, या किसी जॉब का जो क्वेश्चन होगा या उसका पेपर होगा उसको क्रैक करने का आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आप एग्जाम में कम टाइम लेंगे और हमें वही चीज नौकरी दिलाएगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो जितनी चाहे शेयर कीजिएगा ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।